नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बता दें यहाँ पर कि एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री की शपथ तो ले ली है, लेकिन यहाँ पर उनके अपने ही बेटे श्रीकांत शिंदे उनके पद को हटवाने की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों, आइए बताते हैं आपको। श्रीकांत शिंदे का कहना है कि जो इंसान महाराष्ट्र की जनता के बारे में नहीं सोच रहा है, वो क्या ही मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभा सकता है। जिनका अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, वो महाराष्ट्र की जनता के बारे में क्या ही सोचेंगे और वो 2.5 साल का कार्यकाल कैसे पूरा करेंगे। कुछ इसी तरीके की बातें करते नजर आए श्रीकांत शिंदे। यानी कि यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि विपक्षी पार्टी तो छोड़िए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ही उनकी आलोचना करते नजर आए हैं। श्रीकांत शिंदे महाराष्ट्र को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आते हैं और महाराष्ट्र की जनता से काफ़ी ज़्यादा मेल जोल रखने वाले वो नज़र आते हैं और इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है। इसी बीच यहाँ पर आपको अगर बता दें कि श्रीकांत शिंदे यहाँ पर कहीं मुंबई या महाराष्ट्र में मराठी लोगों के योगदान को कभी नहीं भूल सकते, ऐसा श्रीकांत शिंदे ने कहा। यानी कि वो भगत सिंह कोश्यारी की बयान को लेकर भी काफ़ी कुछ कहते नजर आए हैं। मुंबई की पहचान मराठी लोगों से है, इसलिए मैं राज्यपाल की राय से सहमत नहीं हूँ, यह उनका निजी बयान है। राज्यपाल होते हुए भी ये अपने निजी विचार रखते हैं, इसलिए हम इसे स्वीकार नहीं करते, इसलिए हम इसे स्वीकार कभी कर भी नहीं सकते, श्रीकांत शिंदे ने कहा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एक विवादित बयान दिया था कि अगर गुजरातियों और राजस्थानियों को मुंबई से बाहर निकाल दिया गया तो मुंबई में पैसा नहीं होगा। राज्य में कई जगहों पर भारी बारिश से नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री आदेश देंगे, हम वहां का दौरा करेंगे। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि जिस तरह अपने शिव संपर्क अभियान की योजना बनाई थी, उसी तरह से अभियान चलाकर हम राज्य के कोने कोने में जाएंगे। बाढ़ की वजह से कई जगहों पर किसानों की फसल बर्बाद हो गई, इससे किसान का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, तो इसलिए वो कहते नजर आए हैं कि क्यों मेरे पिताजी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्यों वो अभी तक अपनी राजनीतिक बातों को लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ इसी तरीके की बात करते आए यहाँ पर श्रीकांत शिंदे और उनकी मांग है कि उनके पिताजी को इस पद से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।